इस पात्र का महत्व हमारे जीवन में हम भली भांति जानते हैं। गर्मी की ऋतु में ये हमारी प्यास बुझाता है, शीतल जल को जैसे अमृत बनाकर हम तक सौंपता है। किंतु इस पात्र को बनाया कैसे जाता है, क्या इस प्रक्रिया के विषय में आपको ज्ञात है? सर्वप्रथम कुम्हार स्वयं के पैरों से माटी को गूंथता है, मथता है, फिर उसके पश्चात उसे एक चाक पर चढ़ाकर घुमाता है, फिर उसके ऊपर बाहर से प्रहार करता है और साथ ही भीतर से सहारा भी देता है ताकि ये मटका टूटे। फिर अपनी ही बनाई रचना को जलती हुई भट्टी में छोड़ देता है तपने के, और उसके पश्चात शीतल जल देने वाला ये पात्र हमें प्राप्त होता है। एक सर्वश्रेष्ठ गुरु भी यही करता है। सर्वप्रथम हमारे मन में छिपे संभावनाओं को निकालने के लिए हमें मथता है, फिर कठोरता से हमें आकार देता, उसी के साथ हमें सहारा भी देता है, और फिर उसके पश्चात परीक्षा की अग्नि में उस भट्टी में छोड़ देता जलने के लिए, और तब जाके हमारा अस्तित्व बनता है। इसलिए यदि आपके गुरु कठोर हो तो उनसे कुपित ना हुई, उनसे क्रोधित ना हुई, क्योंकि वही वो कुम्हार है जो आपके जीवन के पात्र को एक सुंदर सा आकार देंगे।